अस्सलाम वालेकुम राहत ट्रैवल पार्टनर्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि उसमें हम कैसे अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट नहीं करा है तो अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हम बुकिंग्स वगैरह कर पाएंगे। तो हम दोबारा से फिर राहत अपना डॉट इन सर्च करते हैं एंड ये हमारा ऊपर ही आ जाएगा, हम इस पे जाएंगे। तो जब हम जाते हैं तो हम लोग एजेंट हैं तो हम एजेंट लॉगिन पे जाएंगे और जो भी हमारी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है हम वो डाल देंगे। एंड इसको हम लॉगिन कर लेंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो ये हमारा पेज ऐसे खुलकर आता है। अब मान लीजिए कि मेरे को कोई बुकिंग करनी है तो मैं सबसे पहले उमरा पे जाके मैं बुकिंग करूंगी। अब उमरा पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कि मुंबई से चाहिए, लखनऊ, कहाँ से भी चाहिए, हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। मेरे को दिल्ली से चाहिए 15 डेज का उमरा पैकेज, दिल्ली से चाहिए, और डिपार्चर डेट रहेगी मेरी 14 फरवरी एंड सऊदी एयरलाइंस रहेगी। एंड इसमें जो मेरे को पैकेज चाहिए, इसमें हमारे अलग अलग पैकेजेस भी आ रहे हैं, तो सुपर सेवर मेरे को पैकेज चाहिए। एंड अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पैकेजेस में क्या क्या इंक्लूड है। पैकेज का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि इसमें फ्लाइट एंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है या नहीं है। अगर जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो SIC बेसिस पे रहेगा, मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कितने इंक्लूडेड है ये सब। एंड टूर की कॉस्ट इसमें इंडिविजुअल आ जाएगी कि अगर आप 5 शेयर का लेते हैं तो ये इतना आएगा, 4 शेयर का क्वाड शेयरिंग लेते हैं तो ये आएगा, ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं तो ये आएगा, डबल का ये सब आएगा। चाइल्ड एंड इन्फेंट की भी डेट्स लिखे हुए। फिर इसके बाद आइटनरी, डे टू डे आइटनरी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर उसके बाद होटल्स की मैंने जो पैकेज सिलेक्ट किया था, सुपर सेवर पैकेज सिलेक्ट किया था, तो इसमें मेरा जो रहता है मक्का में रियाबल बुस्तान या वेदर अल मिसफला रहेगा एंड मदीना का अल मजाद सिल्वर होटल या जौदल मरजान रहेगा। फिर हमारे पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं है, पेमेंट की पॉलिसी क्या है कि हमको पेमेंट किस अकॉर्डिंग करनी है, एंड कैंसिलेशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी कैंसिलेशन का चार्ज क्या रहेगा, तो इसमें हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी भी लिखी हुई है ऑलरेडी। इसके अलावा आप यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट को डे टू डे आइटनरी देनी है, आप डाउनलोड आइटनरी करके मुंबई से चाहिए दिल्ली से डाउनलोड PDF करके ये आप क्लाइंट को दे सकते हैं, ये डे टू डे आइटनरी होगी। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं इस पेज पे। सुपर सेवा पैकेज चाहिए 14 फरवरी में दिल्ली से चाहिए, पर पर्सन 75-786। अब हम करते हैं बुक। तो बुक पे जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे नेम डालेंगे, जैसे कि मैंने डाला इकबाल अहमद, ईमेल आईडी, ठीक है, फोन नंबर, ठीक है। तो अब हमारे को यहाँ से भी अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली चाहिए, मुंबई चाहिए, डिपार्चर डेट कौन सी है, हम वो भी कर सकते हैं अगर हमने उस टाइम पे रह गया। अब हमने 5 पैक सिलेक्ट किए थे तो उसमें हमारे अडल्ट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ अडल्ट जो हमारे 11 प्लस होंगे वो हमारे नंबर ऑफ अडल्ट होंगे। मान लीजिए 5 अडल्ट हैं, उसमें से मेल एंड फीमेल का हमारे को काउंट लिखना है कि कितने मेल एंड कितने फीमेल हैं, 2 मेल एंड 3 फीमेल। चाइल्ड विद बैड है तो वो लिख दीजिए, चाइल्ड विदाउट बैड है तो वो लिख दीजिए, एंड इन्फेंट है तो वो लिख दीजिए। तो नहीं है मेरे यहाँ पे, तो मैंने इसको 0-0 कर दिया। अब ये आइए हमारा इसमें पैसेंजर की, उसमें कि क्वीन शेयरिंग ली है मैंने, 2 मेरे मेल रहेंगे एंड 3 मेरे फीमेल एंड योर कंप्यूटर टूर कॉस्ट। जब हम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे मैं एजेंट हूँ तो मैंने एजेंट की करी, तो हमारी एजेंट की पर पर्सन अनपेड एजेंट है तो 3000 इंटू 5 रहा तो 15,000 रुपीज हमारी कमीशन लेस होगी अमाउंट आएगा। ठीक है, तो हमारे को टोटल कॉस्ट जो आ रही है हमारी 3,63,930 जो एजेंट को हमें देनी है, तो हम उसको कर देते हैं प्रोसीड। अब ये जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है, जो हमने ईमेल आईडी रखी उस पर हमारे पास मेल भी आ गया, इसको ओके कर दिया। ये देखिए मैंने बुकिंग क्रिएट करी है 14/5/2024 में मिस्टर इकबाल अहमद की, 5 अडल्ट्स हैं, 0 चाइल्ड है, 0 इन्फेंट है, एंड जो मेरी बुकिंग का कोड है ये वो हमारी बुकिंग करना। नहीं,